जनवरी 2024 का दिन है। जल्दी से आज के इतिहास पर नजर डालेंगे, भारत से शुरुआत करेंगे। 1757 जब पहला हमारा स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उससे ठीक 100 वर्ष पहले, तभी 190 साल का जो बोला जाता है ना कि अंग्रेजों ने गुलाम बना के रखा, वो 1757 आज की डेट याद रखिए आप। क्या हुआ था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से इसके जो एक बड़े सैन्य अधिकारी होते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के थे, क्लाइव लॉयड साहब, इन्होंने आज के दिन एक कारनामा किया अंग्रेजी हुकूमत के लिए, अंग्रेज के भारत की गुलामी की इन्होंने एक तरह से नींव रख दी। हुआ क्या था जी कि आज के दिन इन्होंने कलकत्ता शहर को दोबारा से अपने कब्जे में ले लिया था, किससे, नवाब सिराजुद्दौला से। सिराजुद्दौला के साथ उनकी अपनी फौज थी और कुछ फ्रेंच जो लोग थे, क्योंकि फ्रेंच और जो इंग्लिश लोग हैं उनकी आपस की दुश्मनी तो जग जाहिर है, तो वो थे, लेकिन हरा दिया था क्लाइव लॉयड ने इन फौजों को। सिराजुद्दौला आपने बक्सर की जो प्लासी की युद्ध बैटल जो है, वो प्लासी की जो आप देख रहे हैं एक ड्राइंग, ये उसी युद्ध की है। सामने आमने सामने है क्लाइव लॉयड है और साथ में सिराजुद्दौला है जी। यहाँ पे जी फिर ये यहाँ पे वो फोर्ट विलियम आप जानते हैं कलकत्ता में ही, और प्रेसिडेंसी बनी थी और क्लाइव लॉयड को उसका आप ये कहिए गवर्नर भी बना दिया गया था। आज के दिन शुरुआत हुई थी, यहाँ से फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे देश में अपना शासन बढ़ाया था। उनको यहाँ खून मुँह लगा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के इस जगह पे। और हुआ कैसे था, मीर कासिम, आप बोलते हैं ना जयचंद और मीर कासिम दो नाम प्रसिद्ध है, वो मीर कासिम ने जो जासूसी की थी, मुखबिरी की थी इनके लिए, बिल्कुल तो क्लाइव लॉयड के लिए तोड़ के, अदरवाइज जीत नहीं पाते शायद अंग्रेज। चलिए जी आगे, 1981 राजेश, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक सबसे बड़े मैनहंट जो हुए हैं देश में इतिहास में, इंग्लैंड के इतिहास में, उनमें से एक मैनहंट मतलब किसी आदमी की खोज वो आज इख्तिताम पर पहुंचती है, वो आज पूरी हो जाती है। जो आप चेहरा देख रहे हैं इस आदमी को पुलिस अरेस्ट कर ले जाती है। इस आदमी को कहा जाता था यॉर्कशायर रिपर, वैसे नाम था इसका पीटर विलियम सुकलिफ या पीटर कूनन भी कहते थे इन्हें। ये कौन भाई साहब है जी, राजेश, इन्होंने 1975 से लेकर 1980 के बीच इंग्लैंड का जो वेस्टर्न यॉर्कशायर एरिया है वहां पर अधिकतर महिलाओं के कत्ल किए हैं। ये एक सेक्सिस्ट सैडिस्ट थे, है ना, क्रूरता से महिलाओं को दुराचार के बाद उनको क्रूरता से मार डालना। सनक ट्रक ड्राइवर था ये आदमी, पकड़ा नहीं जा रहा था, पर इस आज के दिन ये धर लिया गया राजेश। इस पर 13 महिलाओं की जान लेने का दोष साबित हुआ, और ये भी साबित हुआ कि 7 महिलाओं की जान लेनी चाहिए जो किसी तरह से बच गई, लेकिन ये माना जाता है कि और बहुत सारी थी जो दोष साबित नहीं हो पाया। मामले बाद में कुछ हुए, इस व्यक्ति को 20 बार उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 20 बार एक उम्र कैद पूरी होगी, फिर दोबारा, फिर बाद में उसे जस्टिफाई किया कि ये कोई बात नहीं है। 2010 में फिर ये कहा गया कि इस व्यक्ति को मरने तक जेल में रहना होगा। वैसा ही हुआ राजेश, 2020 में इस व्यक्ति की जेल में ही मौत हो गई डरहम में। तो ये जी यॉर्कशायर रिपर, आपको जैक द रिपर की नाम याद आ रहा होगा, अगर कहीं कभी आया हमारे इसमें तो हम आपको जैक द रिपर के बारे में बताएंगे। वो तो व्यक्ति कभी पकड़ा ही नहीं गया, ये भी पता नहीं चला था कि वो था कौन, ऐसे हत्यारा था वो भी, इंग्लैंड की बात है। तो जैसे 2004 नासा अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी हमारी इसरो की तरह, राजेश आज के दिन इसने एक बड़ा कारनामा किया। इसका इसने एक स्पेस क्राफ्ट भेजा था जिसे नाम दिया था स्टारडस्ट, फिल्म भी है सीरियल, स्टारडस्ट जो था इस प्रोग्राम का नाम था, और एयरक्राफ्ट का नाम था स्टारडस्ट, सॉरी। एक जो आप ऐसा ये देख रहे हैं इलस्ट्रेशन में, एक आगे जो चमकती हुई चीज है ये एक कॉमेट है, मतलब इसे हिंदी में कहें तो पुच्छल तारा, हाँ वही पुच्छल तारा धूमकेतु। और राजेश ये जो इसका नाम था वाइल्ड टू, नासा को पता था ये आ रहा है, जब इनको लगा कि यहाँ तक ये पहुंचेगा तो हमें ये देखना है कि इसमें होता क्या है। ये जो हम देखते हैं ना, आपने जब भी आप कॉमेट देखते हैं आगे से चमक रहा होता है, पीछे पूंछ होती है, जो चमकदार हिस्सा होता है आगे जो इसका न्यूक्लियस होता है उसके आसपास जो ये जगमगाता एरिया होता है राजेश, इसमें धूल या बाकी सारे कण होते हैं बहुत सारे, आगे नीचे तो खैर बर्फ का वो पानी का वो होता है, असली चीजें आगे होती हैं, उसे कोमा बोलते हैं। वहां से ये जो स्टारडस्ट एयरक्राफ्ट के साथ ये था, आप ये एक तरह से ये करिए कि इसमें एक मशीन थी जिसने की चीजें पकड़नी थी, क्या पकड़ना था कि स्टार की जो, इसको स्टार समझ लीजिए आप धूमकेतु को, इसकी जो धूल थी उसके कण एकत्रित करने थे। क्यों, ये मैं बताता हूँ राजेश, ये एकत्रित हुए पहले छोड़ने से लेके धूल को एकत्रित करने तक और जमीन तक पहुंचाने के लिए 6 साल 11 महीने 7 दिन लगे, इतना लंबा मिशन था। और जब राजेश इसको देखा गया, विश्लेषण किया गया कि इस धूल में क्या है, तो देखिए दो चीजें बहुत ऐसी मिली
वैज्ञानिक चौंक गए। उसमें एक थे हृदय एमिनो एसिड्स, एमिनो एसिड्स और दूसरे थे ग्लाइसिन, ग्लाइसिन, ग्लाइसिन। अब जो साइंस के स्टूडेंट हैं खासकर बायोलॉजी के, वो समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। ये दोनों एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं लाइफ साइकिल के, यानी कि किसी जीव के पैदा होने के लिए ये दोनों चीजें आवश्यक है। तो अभी अगर ये किसी धूमकेतु में थी, किसी कॉमेट में थी, कहीं से वो तो आया तो होगा अंतरिक्ष से, सही है, मतलब वहां पे जीवन होगा, हर कोई मानता है। पहुंच नहीं अभी हम पाए थे तरक्की के बाद, शायद कभी पहुंचे।